Subscribe my channel and press bell icon for new video updates. Also like and comment. नमस्कार, मैं शारदा, शारदा किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नारियल की बर्फी। कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली आसान स्वीट डिश है। इसकी रेसिपी जानने के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पे मैंने दो नारियल लिए, इसका हमें पीछे का कवर निकाल लेना है। आप चाहे तो इसे नाइफ की सहायता से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने घर का ही नारियल लिया है, मेरे यहाँ नारियल का पेड़ है तो फ्रेश और ताज़ा ताज़ा नारियल लिया है। आप भी हमेशा फ्रेश ही नारियल लेना, बहुत बढ़िया इसकी बर्फी होती है। नारियल के ऊपर का सारा ब्लैक वाला कवर मैंने निकाल लिया है, इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। इस प्रकार में सारा नारियल कद्दूकस करके लेने वाली हूँ। ये बहुत ही बढ़िया बर्फी लगती है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप एक बार इसे बनाकर खाओगे तो बार बार बनाकर खाने का मन करेगा। ये सारा नारियल मैंने किस कर लिया है। ये कद्दूकस करते समय थोड़े बारीक बारीक टुकड़े रहते थे, इसे हमें हल्का सा मिक्सी में पीस कर लेना है, नहीं तो आप इसे सब्जी में भी यूज कर सकते हो। इसका हमें मेजर लेना है। ये बाउल से मैंने लिया, आप चाहो तो कप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कद्दूकस किया हुआ नारियल 2½ बाउल है। ये कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है और इसमें हमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करना है। कद्दूकस किया हुआ नारियल हमें इसमें डालना है। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। लगातार इसे हमें चलाते रहना है ताकि बॉटम में ना चिपक जाए। ये हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, इसमें हमें दूध ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये इसी बाउल से मैंने नारियल लिया तो इसी बाउल से हमें चीनी भी लेना है। ये 2½ बाउल नारियल का किस है तो हमें 1 बाउल एंड थोड़ा 1/2 बाउल का कम चीनी लेना है, यानी 125 ग्राम हमें चीनी लेना है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है और लगातार चलते रहना है। ये 3 इलायची का पाउडर है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लगातार चलाते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से पक न जाए। ये कद्दूकस किया हुआ नारियल अगर 4 कप है तो हमें 2 कप चीनी लेना है, अगर 1 कप है तो 1/2 कप ही चीनी लेना है। एकदम परफेक्ट मेजर है इसका। दूध के बदले में आप खोया भी डाल सकते हो। ये केसर का दूध है, इसे मैंने हल्का सा गर्म दूध करके 10 मिनट के लिए भिगने के लिए रखा था, इसे हमें ऐड करना है। इससे बहुत बढ़िया कलर और खुशबू भी आती है। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास केसर नहीं है तो इसमें आप मत डालिए। ये बर्फी का बैटर हमारा रेडी है, गैस को बंद कर देना है। ये देखिए आप इसका कलर और टेक्सचर भी देख सकते हो, बहुत बढ़िया बन चुका है। इसे हमें घी से ग्रीस कर लेना है। इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है, इसे हमें एक समान कर लेना है। आप ये स्क्वायर में भी कर सकते हैं, गोल में भी। जब तक ये गर्म है तभी हमें इसे आकार देना है। इस चक्की को थोड़ा सा घी लगा लेना है, इस तरह से हमें कट कर लेना है।
ये इसे मैं स्क्वायर में कट कर रही हूँ। इसे हमें ठंडा होने देना है और बाद में निकाल लेना है। ये ठंडा हो चुका है, इसे हमें निकाल लेना है। तो लीजिए नारियल की बर्फी रेडी। ये देखिए आप कितनी बढ़िया बन चुकी है। इस प्रकार आप अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने अनुभव में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।